हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज फोर्थ क्लास इंग्लिश लैंग्वेज का सेकेंड यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट को पहले ही एक्सप्लेन किया था, पहले ही डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में भी हम फुल्ली डिटेली एक्सप्लेन करने वाले हैं, चाहे वो वोकैबुलरी का पार्ट हो, राइटिंग का हो, कैरेक्टर्स हो, हर एक को भी। तो जिस तरीके से हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके से सीक्वेंस में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो इन वीडियोस के थ्रू जो है आप उनकी खुद की नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत हेल्पफुल होगी आपके फर्दर प्रिपरेशन के लिए भी। तो पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और बुक्स को जो है प्रिपरेशन करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज बाकी लेसन्स भी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा एक सोर्स होगा, आप अच्छे से नोटबुक प्रिपेयर करना चाहते हो तो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड यूनिट रहा मेजर ध्यानचंद। पहले इससे रिलेटेड ब्रीफली हम जानेंगे मेजर ध्यानचंद की पूरी स्टोरी से रिलेटेड। इनका रियल नेम आकर ध्यान सिंह था, मेजर ध्यानचंद जो कि उनका रियल नेम नहीं है, ध्यान सिंह उनका रियल नेम है। सोल्जर इन द इंडियन आर्मी, ये एक इंडियन आर्मी के सिपाही थे और His coach fondly began to call him ध्यानचंद। Fondly यानी प्यार से, उनके कोच जो है उन्हें प्यार से ध्यानचंद कहकर पुकारते थे। चंद की मीनिंग रही मून। उनके जो भी कोच जो है उन्हें ध्यानचंद बुलाते थे, तो ध्यान आकर उनके नाम में ही था और जो चंद है उसका मीनिंग आकर मून है। Saturday 15th August 1936, it was a day of the hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. यानी Saturday 15th August 1936 का ऐसा दिन था जहाँ पर जो है ओलंपिक्स का इवेंट चल रहा था, फाइनल्स का, जो कि बर्लिन में था। बर्लिन आकर जर्मनी में है। इट वॉज About 40,000 people, including men and women, had gathered in the hockey stadium. 40,000 से ज़्यादा लोग थे, मर्द और ख़वातीन गैदर्ड थे मिल उस हॉकी स्टेडियम में मैच को देखने के लिए। 40,000 people, including men and women, gathered in the hockey stadium. उस स्टेडियम में गैदर्ड होकर थे और द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली 11 AM। मैच जो है एग्जैक्टली 11 AM को स्टार्ट हुई थी। मेजर ध्यानचंद जो लेसन है, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आकर एक नसर टाइप है, तो इसीलिए उसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डेफिनेटली याद रखना ज़रूरी है। और ये स्पोर्ट्स का रहने की वजह से आपको एज ए जनरल नॉलेज भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, अगर आप इसमें के चंद पॉइंट्स को भी गैदर कर लेते हैं तो। साथ ही आपके लेसन के साथ वो भी आपके लिए जनरल नॉलेज के तौर पर भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी, तो इसीलिए इस पॉइंट्स को जो है मेंशन कर रही हूँ। नो टीम कुड स्कोर ए गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ एन आवर। जो भी पहले का आधा घंटा था उसमें कोई भी टीम जो है गोल नहीं करी थी। इंडिया और जर्मनी की टीम जो है खेल रहे थे, लेकिन कोई भी टीम जो है गोल नहीं करे थे, जो कि पूरा ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया था। ड्यूरिंग द 32nd मिनट यानी 32वें मिनट पर रूप सिंह स्कोर द फर्स्ट गोल हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट एंगल। 32वें मिनट पर रूप सिंह ने जो है एक गोल किया था, क्योंकि ड्यूरिंग द हाफ मैच कोई भी एक भी टीम जो है गोल नहीं किया था, बट 32वें मिनट पर रूप सिंह ने एक गोल किया था। रूप सिंह आकर छोटे भाई हैं ध्यान सिंह के, he was the younger brother of ध्यान सिंह। द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद, कैप्टन आकर इंडियन टीम के ध्यानचंद थे। द इंडियन टीम हैड ओन द मेडल 3rd time इन ए रो, यानी लगातार से तीसरी मर्तबा इंडिया ने मेडल जीता था। इंडियंस वेर द 3rd time विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। इंडियंस अगर लगातार तीसरी मर्तबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे। हिटलर अवार्डेड ए स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। हॉकी इज़ अवर नेशनल स्पोर्ट, यानी हॉकी हमारा कौमी खेल है। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29th इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। मेजर ध्यानचंद के
पैदाइशी दिन अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है इंडिया में. अगस्त 29th इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया. द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हेड ध्यानचंद. दिल्ली के मशहूर स्टेडियम का नाम ध्यानचंद के नाम पर रखा गया. अडॉप्टेड फ्रॉम मेजर ध्यानचंद बाई संजय दुधाने स्पोर्ट्स राइटर. यानी संजय दुधाने स्पोर्ट्स राइटर हैं, वो मेजर ध्यानचंद के ज़रिए अडॉप्ट किया गया है ये सबक को. कुछ वर्ड्स और उसकी मीनिंग जो कि इस लेसन से रिलेटेड हैं. पहला आकर बेयर फुट यानी विदाउट वियरिंग एनीथिंग ऑन द फीट. यानी कोई बगैर चप्पल के, बगैर शूज़ के, कोई भी पैरों में नहीं पहने जाते उसको कहते हैं बेयर फुट कहकर. दूसरा आकर पॉन्सड यानी टू अटैक समबडी और समथिंग बाई जंपिंग सडनली ऑन हिम और यानी जंप कर या फिर टू अटैक करना उसको पॉन्सड कहते हैं. तीसरा आकर स्पाइक्ड शूज़ यानी एक ऐसा रेसिंग शूज़ होता है जो कि एथलेट्स यूज़ करते हैं जब वो रेसिंग ट्रैक पर होते हैं तो. और ट्रैक शूज़ भी कहते हैं जो कि चमकदार होते हैं, उसको स्पाइक्ड शूज़ को ही ट्रैक शूज़ भी कहते हैं. तो ये रहे कुछ दो या तीन मीनिंग्स जो कि इस लेसन से रिलेटेड थे. वोकैबुलरी का पार्ट है अबाउट 40,000 पीपल इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम. यानी मर्द और ख़वातीन जो है हॉकी स्टेडियम में गैदर हुई हैं अबाउट 40,000. यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है मेन और वुमेन को. द वर्ड मेन एंड वुमेन आर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स मैन एंड वुमेन. यहाँ पर जो मेन और वुमेन है वो आकर जमा है किसका, मैन और वुमेन का. मैन और वुमेन आकर वाहिद है, उसका जमा आकर मेन और वुमेन है. फर्स्ट यूनिट में सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है वो आकर डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं. फर्स्ट यूनिट के वोकैबुलरी में था वो. इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व्ड दैट द प्लूरल फॉर्म्स मेन वुमेन और फॉर्म्ड विद ए चेंज इन द वोवेल लेटर्स मैन वुमैन. कुछ एग्जाम्पल्स दे हैं इसके वोकैबुलरी में. फुट फीट यानी फुट आकर सिंगुलर है, फीट आकर प्लूरल है. मैन मेन, टूथ टीथ, माउस माइस, वुमैन वुमेन. तो एक कुछ एग्जाम्पल्स है इस लेसन से रिलेटेड वोकैबुलरी प्लूरल और सिंगुलर के लिए. ग्रामर का पार्ट है ये. ग्रामर में आकर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं. पहला आकर मेजर ध्यानचंद वॉज ए फेमस हॉकी प्लेयर, ही वॉज ए सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. यहाँ पर आपको ही को अंडरलाइन किया गया है ही. सेकेंड सेंटेंस ये रहा दी जर्मन प्लेयर्स वेर रेडी टू प्ले विद द इंडियन टीम. दे वेर द होस्ट्स ऑफ द ओलंपिक्स एंड दे वेर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री. यहाँ पर दो जगह पर अंडरलाइन किया गया है दे और दे को. इन द फर्स्ट सेंटेंस ही यानी इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेजर ध्यानचंद. यहाँ पर ध्यानचंद के प्लेस में ही को लगाया गया है. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड दे इज रेफर्ड टू जर्मन प्लेयर्स. यहाँ पर जर्मन के जो भी प्लेयर्स हैं उनके लिए जो है दे को उनको रेफर करने के लिए दे का इस्तेमाल किया गया है. वहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ही का इस्तेमाल किया गया था मेजर ध्यानचंद को रेफर करने के लिए. सेकेंड सेंटेंस में जर्मन प्लेयर्स को रेफर करने के लिए दे का इस्तेमाल किया गया है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. ऐसे वर्ड्स को दे ही ऐसे वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस कहते हैं. प्रोनाउन ये वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज इज कॉल्ड ए प्रोनाउन. यानी नाउन की जगह जो भी इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं. लाइक हमें उर्दू में ज़मीर कहते हैं, इस्म के बजाय हम ज़मीर का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं
उसी तरह से इसको ज़मीर को ही प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि यू, शी, ही, दे, आई, वी, इट। एग्जाम्पल्स आकर रानी इज़ ए गर्ल, यहाँ पर रानी को अंडरलाइन किया गया है और रानी के बजाय ही हम शी इज़ ए गुड गर्ल, शी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, शैम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर शैम को अंडरलाइन किया गया है, शैम के बजाय ही हम उसे ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही को शैम के बजाय ही का इस्तेमाल। और तीसरा एग्जाम्पल ये रहा, कमला, विमला एंड अनु आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो से जायद हैं, कमला, विमला एंड अनु आर स्टूडेंट्स, वो आकर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके तीनों के नामों के बजाय यहाँ पर दे आर स्टूडेंट्स, दे का इस्तेमाल किया जा रहा है, दे आर स्टूडेंट्स। और चौथा एग्जाम्पल ये रहा, गणेश एंड आई वेंट टू द मूवी, गणेश एंड आई, उन दोनों की जगह वी वेंट टू द मूवी, वी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स प्रोनाउन के। तो या ये रहा आज का हमारा सेकेंड यूनिट से रिलेटेड कंटेंट, जो कि वोकैबुलरी था, ग्रामर था, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, स्पेशली ये नसर के टाइप का रहने की वजह से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मेरे को आपके साथ शेयर करना ही पड़ा, क्योंकि फैक्चुअल थे कुछ, तो ज़रूरी था याद रखना भी, और एज ए जनरल नॉलेज के तौर पर भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, कहकर मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसमें एक छोटा सा पोएम है, उसको मैं अगले वीडियो में ही, एक छोटे से वीडियो में उसके साथ शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज इसमें मैं इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ। इस वीडियो का आपको जो भी कंटेंट कैसा लगा, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस के जो भी प्लेलिस्ट है न्यू सिलेबस से रिलेटेड, उसका प्लेलिस्ट के लिंक्स भी जो है मैंने नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो आप उसी को क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। आप एज ए फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर के नाम पर। तो या बस यहीं पर आज तक का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।